सामने रहा भारत का अंतिम गांव नीति, ये रहा नीति गांव। और ये दे दिया, एक एक दे दे। अरे दो छूट गए रे, छोटे छोटे, इनको भी दे दो, दो एक उसको। थैंक यू बोलो। ठीक है बाय। अब दर्शन वगैरह सब हो चुके हैं और अभी देख लो पूरा भीग के अंदर और लोगों की लाइन लगी है। दोस्तों कल का सफ़र यहाँ तक देखा होगा आपने और आज बाबा भोलेनाथ के दर्शन आपको करवाते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए। गाइस फाइनली रुके हैं हम अभी दुम्भुदार पे और आगे जेसीपी काम कर रहे हैं। जब हम 2020 में आए थे ना इधर, तो हम संडे को आए थे और मंडे को हमने भोलेनाथ के दर्शन किए, तो संडे को हम यहाँ पर रुके। सामने वो दिखाई दे रहा है जहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पर गया था हमने नाइट स्टे टेंट वगैरह लेके, तो यहाँ पे आए थे हम और फिर अगले दिन चले गए। और ये सामने है दुम्भुदार, ये वाला। या गाइस हम गलत रास्ते आ गए थे और अभी ये नदी पार कर दी हमने, नहीं तो पता नहीं कहाँ जाते। थोड़ा जूते भी किए, कोई नहीं अब पहुंच गए मेन रास्ते में। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम किम्मर से महादेव, जो साक्षात कैलाश पर विराजमान है और पीछे भक्तों की लाइन लगी है। अभी उनका नंबर है, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, फिर हम आगे जाएंगे और सबसे पहले कर लेते हैं दर्शन और आप लोगों को भी करवाते हैं विमर्शन महादेव भोलेनाथ जी के दर्शन। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन। यहाँ है साक्षात किम्मर सेठ महादेव भोलेनाथ जी विराजमान और आप भी कभी जाते साक्षात भोलेनाथ के ऊपर से ही बरस रहा है और यहाँ पे पूजा चल रही है अभी। खातर आई हूँ तेरी गल्ला जाऊंगी, बोले कितना प्यार है तेरे दया सब न बताऊंगी। तू भोला पर्वत का गुफा के अंदर है मंदिर। अंदर यहाँ देखिए गाइस फाइनली आ गया हम मंदिर से बाहर और देख लो पूरा भीग गया। दर्शन वगैरह सब हो चुके हैं और अभी देख लो पूरा भीग गया अंदर और लोगों की लाइन लगी है। यहाँ देख लो और बड़े भैया जी आगे आगे दर्शन करके बाहर। हम वहाँ पे काफ़ी देर रुके ना, इसलिए भीग गए और नीचे जाते जाते सूख जाएंगे क्योंकि महादेव की कृपा है, इधर तो सूख ही जाएंगे। अरे जय भोले। हेलो, ये पहुँच गए भोलेनाथ के दर्शन करने। हर हर भोले, हर हर महादेव। फाइनली गाइज अब चलते हैं यहाँ से वापस और दर्शन हो चुके हैं हमारे अच्छे से। नीचे पे ना भंडारा लगा रहा है, चलते हैं भंडारे में। गाइज फाइनली भंडारा ग्रहण करके और अब चल रहे हैं। एक मंदिर नीचे पे है तो पहले हमने तो पेट पूजा कर लिया, कोई बात नहीं, भगवान नहीं बोलते ना पेट पूजा करके मंदिर में ना आए ऐसा कुछ नहीं बोलते ना, फिर भी हम नीचे मंदिर में जा रहे हैं। और सामने पे है देखो इंडिया का अंतिम विलेज, यानी सामने रहा भारत का अंतिम गांव नीति।
ये रहा नीति गांव, और यहाँ से बॉर्डर चाइना बॉर्डर पड़ता है उधर को, ये देख लो। और बाबा बर्फानी ऊपर रहे, यहाँ पे भंडारा हो रहा है और नीचे चलते हैं। अब फाइनली हम पहुँच चुके हैं काली माता के मंदिर में, और ये रहा नीति गांव में काली माता का मंदिर, और आपको भी दर्शन कराते हैं एक बार काली माता का। बस ये रहा, यहाँ देख लो पीछे, जय माँ काली। अंदर दर्शन भी हो गए हैं और अब चलते हैं यहाँ से। अगर बीच पे रोड बंद नहीं रहता ना तो हम उधर नीति गांव में चले जाते, वहाँ देखते ना, वहाँ दिखाते आपको वहाँ के लोग और वहाँ के मकाने कैसे हैं पुराने पुराने से। गाइस अभी आ गया हम बांपा गांव में, और ये पीछे रहा, ये गांव रहा बांपा, और यहाँ पे नाग देवता का मंदिर है, वहाँ पे ले चलते हैं आपको। जय हो। और मंदिर रहा उधर, वहाँ जाना है। ये रहा सुंदर सा मंदिर बांपा नाग का, नाग सुंदर सा मंदिर। ये लोग आगे दर्शन करके हम चलते हैं उधर। जय हो नाग महाराज। दर्शन वगैरह हो गए हैं, और यहाँ पे जो मंदिर है वो है फैला पंचनाग का, और सामने पे आपको बताया दिया था मैंने बांपा गांव है। तो ये मंदिर ये देख लो पूरा चारों ओर ग्राउंड है यहाँ पे, और यहाँ पे अंदर मंदिर है पंच। फाइनली चलते हैं यहाँ से वापस, यहाँ भी हो गया फैला पंचनाग के दर्शन भी कर लिए, और इसको आ रही हिचकियाँ आज, पता नहीं कौन याद कर रहा है इसको। मुझे बहुत हिचकियाँ आ रही है, आगे से लगाए हिचकियाँ लेने पे। तीन मंदिर जाते जाते हम फाइनली बच चुके हैं शाम के तीन, और हमने तीन मंदिरों के दर्शन भी कर लिए, और बारिश भी होने वाली है ज़बरदस्त। यहाँ से लगा लो हमारे गाँव तक होगा 80-90 किलोमीटर, अभी उतना चलना है हमको, देखते हैं कितना भीग के जाते हैं आज घर। अगर भीगेंगे तो लगा लो शाम को, आज तबियत खराब दिमाग और लगा दिया मैंने ये भी सर, क्या बोलते हैं उसको, देसी जट नहीं लगाते ऐसे, वैसे पहन लिया इसको मैंने आज, चलते हो क्योंकि सर में ना ठंडा पड़ रहा है आज, हेलमेट भी नहीं ला रखे। चलेगा चलते हैं, उनको रुके हैं हम आज सुबह से वेट कर रहे हैं, लेकिन वो हमको मिले ही नहीं भाई आज, विनोद भाई और पता नहीं कहाँ हैं। अभी देखते हैं आगे पे होटल पर रुकते हैं, अगर होटल पर कुछ खाएंगे तो वहाँ रुकने पे आ गए तो आ गए, नहीं तो हम सीधा चल दिए घर की ओर। फाइनली गाइस काफ़ी देर इंतजार के बाद विनोद भाई और पहुँच गए, ये देख लो अभी आ रही है, सो ऐसे अभी मिल रहे, ये देख लो दूसरे अब तीसरे भाई को, और एक भाई जी है, सो ऐसे अभी मिल रही है सब, देखो दर्शन करने। रास्ते में पड़ा तो हमने कहा चलो यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं, आज साथ साथ सब जगह दर्शन हो गए। फाइनली यहाँ भी हो गया दर्शन, और पीछे नॉन भी कर लिया दर्शन, अब गेट को बंद कर रहे हैं, अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर को, बारिश भी हो रही तेज। ये वापस आते समय मिल गए फिर से, देख लो ये बच्चे जो ऊपर जाते समय मिले थे ना, अब इनको कैलाश कुछ लेने जा रहा दुकान पर, और इनको देते हैं फिर चलते हैं। ये दे दिया एक एक दे दे, अरे दो छूट गए रे छोटे छोटे, इनको भी दे दो, दो एक उसको, थैंक यू बोलो, ठीक है बाय। अब थैंक यू।
फिर कभी आएंगे तब मिलेंगे, ठीक है, बाय। अब खुश हो? खुश हो, ठीक है, बाय। ठीक है, अभी हम रुके हैं भला गांव में वापस आते समय, यहाँ पे चाय समोसे जलेबी वगैरह खाए और थोड़ा बहुत पैक भी करा लिया। अब चलते हैं यहाँ से सीधे घर को और घर पे मिलेंगे। झरना जी भाई, ऊपर झरना दिखाते हैं आपको, देख लो। हाँ तो दोस्तों, हमारी टिम्मरसैंण महादेव की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय भोले।